सो गाइज मेरा पेंट आप देख सकते हैं हो गया है फाइनली फाइनली, और ईशा का भी हो रहा है, ईशा भी मेरी तरह जो है ये डॉट्स लगवा रही है। सो गाइज ये है हमारे रिजॉर्ट के साथ बीच साइड, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है यार। मैंने अपनी आंखों पर भी नियॉन पेंट्स लगवाया है। सो गाइज वेलकम टू द डे टू एट कोसमुई, और अभी मैंने आपको दिखाया होटल का पूल और रिजॉर्ट, मैंने आपको सारा टूर करवाया, और अभी हम लोग खुद भी आज ही घूमने निकले हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि हम अपना होटल भी एक्सप्लोर करें। और आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत मज़ेदार होने वाला है, और मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। पर अभी इस वक्त जो है हम रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और सुबह का हम 12 बजे उठे हैं और नाश्ता हमसे मिस हो गया, वरना नाश्ते का बुफेट भी था। सुबह 8 बजे नाश्ता था ना हमारा, और थैंक यू। यहाँ पे ठंडा पानी नहीं है, प्यास ही नहीं बुझ रही होती हमारी ना, अंदर कितना गंदा लग रहा है ना वो पानी अंदर वाला यार। अंदर इतना गर्म पानी है, सब गर्म पानी पी रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम उठे हैं, अभी हमने खाना भी ऑर्डर किया है, हम खाएंगे उसके बाद हम जाएंगे तैयार होंगे, फिर हम अपने सफर के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। सुमी वाले देते हैं, सादा पानी नहीं दे रहा है कोई भी नहीं दे रहा। सो गाइस हमारा नाश्ता आ गया, ये नाश्ता हमने इसलिए ये पिज्जा मंगाया क्योंकि यहाँ पे मुश्किलों से कुछ मिलता है, और ये रहा हमारा वाटरमेलन जूस फल्ला। सो गाइज अभी 4 बज रहे हैं और हमें जो है कोपतांग के लिए 5 बजे निकलना है, हम लोग फुल ऑन रेडी हो चुके हैं, शुक्र है हम लोग टाइम पर उठे, टाइम पर रेडी हुए, हाँ टाइम पर रिजॉर्ट गए, रेडी हो गए। और ये है यहाँ का क्या कहते हैं कोसुमुई का पानी, और पानी में भी कोई मतलब पानी का जायका ही नहीं है, अजीब सा पानी नहीं डाल देखो हाँ। इस पानी को पियो, नींबू से पानी नहीं लग रहा, हाँ, इस पानी से प्यास ही नहीं बुझ रही है, इतना बुरा पानी है, क्या करें यार। और मजे की बात ये लोग ठंडा पानी ही नहीं रखते, ठंडा पानी मतलब देते ही नहीं है, हमने रखा है खुद, ये काम करना पड़ेगा फ्रिज में, हाँ फ्रिज में बोतलें रखी हैं हमने, और ठंडा पानी यहाँ पे मिलता नहीं है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अब निकलते हैं कोपतांग के लिए, लेट्स गो टू द कोपतांग। सो गाइज हम लोग फाइनली फुल मून की जगह पर पहुंच चुके हैं, 30 से 40 मिनट का सफ़र था, ज़्यादा लंबा नहीं था, और ये रहा हमारा फुल मून का टिकट जो कि हमें पड़ा है 1400 रुपये का, 1400 बात का, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वो देखो आओ पेंट हो रहा है वहाँ पे, नियॉन पेंट हो रहा है, मज़े का मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा हम आए तो क्यों ना करवाएं, कौन सा ये चीज़ें कराची हमारे पाकिस्तान में होती हैं, तो ये जो है वहाँ पर जाके फुल मून में चमके, अभी चमक रहा है, अभी चमक रहा है, इतना हमारे कपड़े चमक रहे हैं, हाँ। सो गाइज मेरा पेंट आप देख सकते हैं हो गया है फाइनली, और ईशा का भी हो रहा है, ईशा भी मेरी तरह जो है ये डॉट्स लगवा रही है। मैंने अपनी आंखों पर भी नियॉन पेंट्स लगवाया है। You have same hair like my friend. You have same hair like my friend. So guys, ईशा की आंखें जो है ना पूरी नहीं हो रही अभी तक, मेरी आंखें मेरा हाथ सब कुछ डन है, और हमारी बोट को निकलने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, आ जाओ। ओके खोपो खान। सो गाइज अब हम जाएंगे बोट की तरफ, और बोट हमें ले जाएगी बीच पर, वो बीच जहाँ पर फुल मून पार्टी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली पार्टी है, ज़िंदगी की मेरी पहली पार्टी है जो कि मैं जा रही हूँ। माय गॉड आई एम सो फ्रीकिंग एक्साइटेड। सो गाइस ये है हमारी बोट जो हमें बीच की तरफ ले जाएगी। अरे सो गाइस वी आर फाइनली ऑन बोट राइट नाउ एंड रेडी टू गो टू फॉर फुल मून पार्टी टुनाइट। So guys, life jacket पहन ली है, और we are ready to go now. And look at this guy, he got the same piercing like me. ये जो मैंने करवाया है, इसने ही ये करवाया है. Come closer, we want to see your piercing. Don't you feel pain? Show me. Ah,
मेरा बस चले, मुझे अम्मी इजाजत दे, मैं भी हर जगह जाऊँ। ओके खोपकान फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पे जहाँ पे फुल मून पार्टी है और जिसके लिए हमने 1400 बात करी है। हम बताएंगे आगे और ज़्यादा कितना खर्चा होना है। 500 रुपये इस पेंटिंग पे लग गया है हमारा। और घर देखें यार कितने यहाँ पे खूबसूरत बने हुए। सो गाइस अब हमें यहाँ पर जो है फुल मून के लिए यहाँ पे टिकट लेना है। हाउ मच? 200 बाद। सो गाइस बैंड लग गया है फुल मून पार्टी का। फुल मून पार्टी हैड्रन थाईलैंड। सो बैंड लग गया है। खोपकान खोपकान। नाउ वी आर ऑल रेडी टू गो फॉर फुल मून। बेटा तुम चलो बीच पे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सो गाइस हम जब फुल मून के लिए जा रहे थे तो हमें ये नज़र आई दुकान जहाँ पे नियॉन शर्ट्स अवेलेबल हैं। दी फर्स्ट शर्ट इज़ फॉर 100 baht एंड आई रियली लाइक दिस वन। मुझे ये बहुत अच्छी लगी है यार। हाँ, और मेरे पास जीन्स हैं वो उससे मैच है। एंड ईशा गॉट द ब्लैक वन। सो या बट यू आर नॉट गिविंग डिस्काउंट, दैट्स सैड। नो, फॉर गर्ल्स देयर शुड बी अ डिस्काउंट। सो गाइस यहीं पर मैंने जो है क्या कहते हैं शर्ट चेंज कर ली है और अब हम जा रहे हैं फुल मून की तरफ। सो गाइस इस वक्त हम घूम रहे हैं ये हैदराबाद बीच की स्ट्रीट्स और यहाँ पे देखें ये इस तरह के टब्स मिलते हैं, बास्केट्स मिलती हैं जिसमें आपकी विस्की दारू वोडका बोतल के साथ आपको मिलती है। बट हम मुसलमान ये नहीं पी सकते, जाहिर सी बात है। तो हम ऐसी फुल मून पार्टी एक्सप्लोर करेंगे और इन्जॉय करेंगे। सो गाइज इस वक्त हम लोग आए हैं सैलॉन चुटिया बनवाने और हमें चाहिए रंग बिरंगी चुटियाँ। बुड्ढी कब से समझ नहीं रही थी, इतनी मुश्किलों से समझाया इसे। एकदम मजे की बात, एक तो हमें चीनी जबान नहीं आती और ऊपर से इनको इंग्लिश नहीं आती। तो हम बात करें तो कैसे करें, हम भी मुंह टेढ़े करके बात होती है। दीश 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 दीश। सो दैट्स द थिंग। और देखते हैं अभी हमारा स्टाइल बनता है, फिर हम लोग जाएंगे फुल मून पार्टी के लिए। मेरे बाल इतने गंदे हो गए समंदर की हवा से। Okay, so guys, we came to another salon just to get our hair done and we got little less price as well. Yeah, so we are going for braids now. नहीं जी, इतनी खींच के बांध रही है, इतनी खींच के मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए इसने। उफ अल्लाह, इतना जब हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। उस लड़की की हो गई है दिमाग की नसें खींच रही है। सो गाइस आप देख सकते हैं एक साइड पूरा डन हो गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और इतनी खींच के बांधी है ना इसने, मैं तो कह रही हूँ कि मेरी दिमाग की नसें भी शायद इन चोटियों में बंद गई होंगी। एक हफ्ता भी नहीं खोल सकते, अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। सो गाइस मेरा हेयर स्टाइल बन गया और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना बॉम लग रहा है यार। आई एम सो इन लव विद इट, इट लुक्स वेरी वेरी अमेजिंग। और फुल मून के लिए बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये जब नज़र आएगा ना बंद लाइटों में, आ हा हा। और ईशा के अभी बाल बन रहे हैं। ईशा इज गोइंग फॉर पिंक एंड माई लव फॉर नियॉन नेवर गोज अवे। सो गाइस दिस लेडी डिड आवर हेयर स्टाइल ब्यूटीफुल, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? My name is Ai. 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 Shako bola beautiful. Beautiful. Khopokan. Yeah, very beautiful picture. Yeah. Khopokan. Khopokan. So guys, hamari braids wagera sab ban gayi hain and now we are going for full moon party and it has 10 minutes distance. And Kosomolasa, we are going for party tonight. And nothing. We are going just for the party.
अब हम आ गए हैं कोसुमुई की फुल मून पार्टी की स्ट्रीट्स में, और स्ट्रीट्स में आप देख रहे हैं कितनी रोशनी है, कितने मज़े की स्ट्रीट है यार। गुड मॉर्निंग गाइज, गाइज हम लोग रात को 2 बजे तकरीबन हम लोग फुल मून पार्टी से वापस आए, और यकीन करें हम उस वक्त से लेकर अभी तक बिल्कुल भी नहीं सोए, क्योंकि अभी सुबह 8 बजे जो है हम लोग जा रहे हैं क्राबी के लिए, और जो हमारा सफ़र होगा वो होगा बाय बोट, और पहले गाड़ी से होगा उसके बाद बाय बोट होगा, और तकरीबन 3 से 4 घंटे का वो सफ़र है। तो ईशा और मैं बिल्कुल कैजुअल तैयार हुए, मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया, मुंह धोया है क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, तो हमने सोचा हाँ रिलैक्स होकर बिल्कुल हाथ मुंह धोकर ढीले कपड़े पहनकर आराम से बोट में सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद क्राबी जाएंगे, क्राबी उतरेंगे आज हम, और कोसुमुई का स्टे हमारा ख़त्म हो रहा है अभी यहाँ पर, और हम लोग यहाँ से अब चेकआउट कर रहे हैं, और दैट्स इट, अब देखते हैं हम क्राबी में क्या फ़न करते हैं, और आप लोग बताइएगा आपको ये पार्टी कैसी लगी, और प्लीज़ हमें जज मत करिएगा, क्योंकि जज इसलिए नहीं करेगा कि यहाँ का रिवाज ही समझे इसी तरह का है, सही है, जैसा वेस वैसा बेस की बात है। तो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े का था, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने, और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे, काफ़ी लोग अच्छे जॉली थे, और बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। तो अब हम होटल सिलावदी से चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्टे सिर्फ 2 दिन का था, और अब बस चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं हम क्राबी की तरफ, और आप लोग भी सफ़र में थोड़ा सा हमारे साथ रहेंगे, फिर ये मैं व्लॉग एंड करूँगी, और फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा क्राबी में, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि क्राबी में हम क्या फ़न करें। सो लेट्स गो, सो बाय बाय टू सिलावदी एंड लेट्स गो टू क्राबी। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के, कभी अलविदा ना कहना, शेंग शोंग रस्ता, शो 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 शो
इस गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बोट की तरफ। बोट हम यहाँ से तकरीबन 40 से 50 मिनट हमसे दूर है। उसके बाद जो बोट का सफ़र है वो है तकरीबन 3 से 4 घंटे का टुकड़ा भी। तो बोट में बैठकर भी ना पीठ में बड़ा दर्द पड़ता है यार। और इधर सिर्फ हैं ही आइलैंड्स और सीज वगैरह जो आप घूम फिर सकते हो। सो खैर इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं, जा रहे हैं बोट की तरफ और क्या कहते हैं कोसुमी को आखिरी दफ़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो गाइस बोट की लोकेशन पर हम इस वक्त आ चुके हैं एंड अभी जो है क्या कह रहे हैं 9:45 बज रहे हैं और हमारी जो है ना फ्लाइट कह रही हूँ, हमारी जो बोट है वो है 10:30 की। सो अभी हमें यहाँ पे वेट करना है और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो अभी बाहर का राउंड लगा कर आ रहे हैं और बैग्स हमने यहाँ पर रख दिए हैं। सब मुंह खोल कर सो रहे हैं, सब थके हुए हैं यहाँ पे। कोसुमी ने जब सबको थका दिया यहाँ पे। सो गाइज अब करते हैं व्लॉग का एंड क्योंकि अब हमारा जो सफ़र है वो 3 से 4 घंटों का है। सो वी बेटर स्लीप इन बोट। उसके बाद हमें करावी पहुँचना है, फिर करावी में घूमना फिरना है। तो इंशाल्लाह हम मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, मैं और ईशा से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो होगा हमारा करावी में। कोसुमी इज फिनिश्ड एंड वी आर गोइंग टू करावी नाउ। सो सी यू गाइज इन अनदर व्लॉग। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।